नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है, इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। लिवोफ्लॉक्सासिन एक सॉल्ट नेम है। लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लिवोफ्लॉक्स आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट 250 mg व 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, नींद न आना, बदहजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द, कब्ज और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के साथ दूध, दही, लस्सी और अन्य दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर लिवोफ्लॉक्सासिन 250 mg टैबलेट को दिन में दो बार या लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आपको लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं
नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।